गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में ठीक से होंगे। तो गाइस, आज है संडे जैसे कि और सुबह के बज गए आंख। गुड मॉर्निंग जूबी, गुड मॉर्निंग। उठ गए आप भी, आ गए आप। आज सबका गला खराब है तो मैंने सोचा क्यों ना सभी को मैं गर्म पानी दे देती हूँ। उसके बाद मैं सभी के लिए अदरक वाली चाय बनाने वाली थी, क्योंकि अदरक वाली चाय जो है ना वो गले के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसी पानी में मैं पहले पानी दे आती हूँ उनको। ठीक है, मैं चाय में डाल दूँगी अदरक और बनक्शा है मेरे पास, इसमें डाला है बनक्शा, मैं दूसरे घर से लाई थी। ये भी ना जिसको खांसी हो, क्योंकि सभी को खांसी है, हनु को, मुझे, बाहू को, मनु को, तो ये बनक्शा है, ये बनक्शा डाल दूँगी मैं इसमें। थोड़ा सा ये देखिए, ये जो ग्रीन टी होती है उसकी पत्तियां हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी चाय में। और मैं डाल दूंगी इसमें इलायची, ये देखिए, दो इलायची हैं, इसको पीस के डालूंगी मैं, यही पीस दूंगी मैं। बेलन से पीस ली मैंने। आज बहुत मजेदार चाय बनने वाली है। आई थिंक पत्ती मैंने ज्यादा डाल दी है। बाहू मुंह में पानी आ रहा है, बाहू मुंह में पानी आ रहा है चाय को देख के, चाय का शौकीन बाहू, मुंह में पानी आ रहा है। किंदा कुछ बाबू आपके लिए भी लाई हूँ थोड़ी सी चाय। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं माथा टेकने। बाहू की मन्नत थी जो भैया जी ने मांगी थी, तो उसे ही देने मतलब कि माथा टेकने हम जा रहे थे। तो गाइस, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है ये पहाड़ियाँ, ये नज़ारा देखिए, कितने तीखे तीखे मोड़ भी हैं हमारे हिमाचल में, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और गाइस, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं, भैया और बच्चे जा रहे थे, और ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है सारा ये नज़ारा। ये पुल है, ये ट्रेन का पुल है, इसमें एक बार ट्रेन गिर गई थी। और ये देखिए, एक्चुअली गाइस मैं भी पहली बार जा रही थी, मैं भी पहले नहीं गई थी इस मंदिर में। और ये देखिए ऐसे लग रहा था जैसे कहीं हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, जैसे पता नहीं कहाँ खड़ नालों में से लेके हमें जा रहे थे। और बड़ा अजीब सा रास्ता था, मतलब कि मैं पहले कभी भी नहीं गई ऐसे रास्ते में। छोटी छोटी सी गलियाँ थी, बहुत टाइट सा रास्ता था, और वैसे बड़े बड़े पहाड़ थे, मिट्टी के पहाड़ थे बहुत बड़े बड़े। और फाइनली गाइस हम पहुंच गए उस जगह पे जिस जगह हमें जाना था, पर काफ़ी दूर तक हमें पैदल भी चलना था। और ये अच्छा हुआ कि मैं जूते ही डाल के आई थी, मेरे को इतना तो पता था कि पैदल जाना होता है, पर इतना नहीं पता था कि इतनी चढ़ाई या उतराई में हमें जाना है। तो गाइस अभी हम पैदल जा रहे थे नीचे की ओर। कितनी दूर जाना है? ये मेरे को पता था इसलिए मैं जूते डाल के आई आज। तो गाइस दूर दूर तक ना तो कोई घर दिख रहा था, ना ही कोई आदमी दिख रहा था, बस ये पेड़ पौधे ही दिख रहे थे। सुंदर तो बहुत लग रहा था नज़ारा, बट ये था कि एक मुझे कहीं ना कहीं ना अगर मैं पीछे रह जा रही थी तो मेरे को डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जानवर आके मुझे उठा के ना ले जाए, तो इसलिए। बाहू कहाँ जा रहे हैं? बाहू जूते डाली के आंचा चप्पल वगैरह जाइए तो है ना।
गाइस ये देखिए ये कितना नीचे है और कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ओ बच्चे ए यार बस इतनी सी जगह थी कि बस दो दो पैर की जगह थी कि मतलब कि सिंगल सिंगल आदमी ही चल रहा था। मेरे को ये लग रहा था कि ये लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पे, मतलब कि इतना जंगल है ना कोई सुविधा है बस गाड़ी की ना कोई कुछ ना कुछ। मैं रह गई हूँ अभी पीछे। शायद वो जो सामने घर दिख रहा है यहाँ हमने जाना है। बस ये देखिए पूरी तरफ जो है वो जंगल ही जंगल है पूरी तरफ। बाहु, सूर्य, हनु कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। हम तो यहाँ पे दूसरी बार आ रहे हैं। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और मैं दूसरी टाइम सेकंड टाइम। तो फाइनली हमने इसी घर में जाना था और ये देखिए कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग, बहुत मुश्किल है। ये है देसी गेट। तो फाइनली गाइस हम उस जगह पहुंच गए थे जिस जगह भैया जी ने बाहु के लिए मन्नत मांगी थी। और गाइस मैं आपको आगे की वीडियो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हम कैसे कैसे गए वापसी पे। तो गाइस यही थी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अपने